तो हेलो हेलो गाइस, मैं हूं आशु और आप सब देख रहे हैं आशु गेमिंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने वाला मेरा हर एक भाई बहन बिल्कुल मजे में होगा। और यार आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच कैरेक्टर्स के बारे में जिनको आप CS रैंक और रैंक गेम में किन्हीं भी तीन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के साथ आसानी से यूज कर सकते हो, और ये आपके रैंक पुश करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो चलो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है वूकोंग। ये कैरेक्टर आपको आपके एनिमी से छुप छुप कर मारने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और इस कैरेक्टर की हेल्प से आप अकेले ही पूरे स्क्वाड को मार सकते हो। और इस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा क्लैश स्क्वाड रैंक में यूज किया जाता है, और ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, और इसीलिए आपको रैंक पुश करते टाइम इसे जरूर यूज करना चाहिए। और ये नॉन टॉप अप प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा कैरेक्टर माना जाता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है हयातो। एनिमी तब आपकी HP कम हो जाती है, उसके बाद आपका गन का डैमेज अपने आप ही बढ़ाता रहता है, और अपनी दूसरी आर्मर पेनिट्रेशन वाली स्किल के कारण इसको बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर्स यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपके वेस्ट को बहुत भयंकर प्रोटेक्शन देता है, और इसी वजह से आपको आपका एनिमी आसानी से नहीं मार पाता, लेकिन आप अपने एनिमी को आसानी से मार देते हो, और इसीलिए बहुत सारे प्रो प्लेयर्स इसका यूज करना पसंद करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है वो है DJ आलोक, जिसके बारे में शायद आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो। ये कैरेक्टर आपके साथ साथ आपके टीममेट्स को भी HP देता है, और बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है, और इस कैरेक्टर की हेल्प से आप आसानी से जोन के अंदर फाइट भी ले सकते हो, क्योंकि ये लगातार HP देता रहता है और आपको जोन से बाहर निकालने का दम रखता है, और इसीलिए बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर्स DJ आलोक को रैंक गेम और CS रैंक में एज अ एक्टिव कैरेक्टर स्किल यूज करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो कैरेक्टर आता है वो है अपना K कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा रीजनल प्लेयर्स और ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स रैंक पुश करने के लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर चार जोने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाता, और ये लगातार EP से HP जनरेट करता रहता है, और इसीलिए हर एक फ्री फायर प्लेयर इसे यूज करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। और अगर आप एक सोलो रैंक पुशर हो तो आपको इस कैरेक्टर का यूज तो करना ही चाहिए, और इसको आप किसी भी कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन के साथ आसानी से यूज कर सकते हो। तो गाइस इस लिस्ट में पहले नंबर पर जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है स्काइलर। इस कैरेक्टर को कस्टम CS रैंक और रैंक गेम जैसे हर एक मोड में यूज किया जाता है। इस कैरेक्टर की ग्लू वॉल फोड़ने की एबिलिटी और ग्लू वॉल लगाने के बाद HP देने की एबिलिटी हर एक फ्री फायर प्लेयर को बहुत ज्यादा पसंद आई है, और इसकी हेल्प से आप अपने एनिमी को बहुत ही आसानी से मार सकते हो। और अगर आप जोन के अंदर फंस भी जाते हो और अगर आपके पास ग्लू वॉल्स हैं तो ये आपको आसानी से जोन से बाहर निकालने का दम रखता है। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइस जाते जाते कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इन पांच कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा किसकी स्किल को यूज करना पसंद करते हो। और यार अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। तो यार बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।